हेलो गाइज, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को फ्यूचर नेट के अंदर, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम आईडी कैसे बनाएंगे और एफटीआर टोकन को हम लोग कैसे लिस्ट करेंगे उसके अंदर, वो दोस्तों इसमें हम आप लोग को आज लाइव दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये बताएंगे कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम लोग आईडी कैसे क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग इजी तरीके से कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लेट नहीं करेंगे, वीडियो के बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों मैं आप लोग का हर वीडियो का नोटिफिकेशन दे सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब आएंगे ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में आपको करना है इस टाइप से, फिर आपको दोस्तों गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। अब गेट जब वहाँ पर स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है क्रिएट वॉलेट न्यू वॉलेट, और फिर लिखा कि ऐड एक्सटेंडिंग वॉलेट, ठीक है। मतलब जो आपका पुराना वॉलेट आप उस पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं या तो फिर आप दोबारा यहाँ से भी करेंगे नया वॉलेट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग न्यू वॉलेट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है द सीक्रेट फेस और फिर लिखा है स्विफ्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द सीक्रेट जो लिखा है उस पर हमको दोस्तों क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है बैकअप, क्या बोलते हैं, बैकअप मैनुअली, फिर लिखा बैकअप टू गूगल ड्राइव, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, बैकअप मैनुअली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, अब तीनों ऑप्शन पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। देखिए इस टाइप से आपका क्या बोलता है, आपका सीक्रेट फेस के की आएगा, तो उस तरफ से आपका आएगा, देख पा रहे होंगे उसी तरह से, जिस तरह हमारा उसी तरह से आपका भी शो करेगा, आपका कुछ अलग रहेगा इसी टाइप। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करना है, स्क्रीन शॉट हमें ले लेना है, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट नहीं आएगा तो इसको क्या करना है, हमें कॉपी लिंक कर लेना है, ठीक है। कॉपी सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेंगे तो जरूर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कॉपी करके फिर आपको इसको जहाँ पर रखना आप रख लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप एक करके आपको फेस की यहाँ पे सबमिट करना दोस्तों कि आपको यहाँ पे फेस की में क्या है, ठीक है। तो सबमिट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारा आउटपुट है, फिर डोमेन है, फिर गैस है। इस टाइप से हमको दोस्तों क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों इस टाइप से पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस तरह करके अपना पासवर्ड सेट कर ले। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के इस तरह से आपका कंफर्म का ऑप्शन आएगा, डेनी का कंफर्म। तो आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि वेलकम आप बोर्ड, तो देखो तो यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या करें, ट्रस्ट वॉलेट में आप यहाँ पे अंदर इंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा खुल गया, ठीक है ना। आपका दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से एक बार फिर बैक आ जाना है। आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा वॉलेट खुल गया है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखा मेन वॉलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक वॉलेट पहला क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट खोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे आना, फिर यहाँ पे क्रिएट फेस पे फिर आगे बढ़ना, फिर तीन पे सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है। इस तरह से दोस्तों फिर हमारा दूसरा फेस किया गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना, अपना कोड डालना है, कुछ भी जो भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको कंटिन्यू पे बढ़ना है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट करना है, का करके स्प्रे स्क्रिप्ट वर्ड वन। स्प्रे मस्ट मस्ट लीव कर।
लीव करवेज। दोस्तों इस टाइप से फिर कंपर्ट करना है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से दोस्तों आपको एक बार बैक आ जाना है। दोस्तों फिर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा दूसरा वॉलेट ओपन हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग वॉलेट को अपना क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप जितना भी वॉलेट क्रिएट करेंगे आप अपने क्या बोलता है ट्रस्ट वॉलेट पे आप ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर फिर हम लोग FTR टोकन को कैसे ऐड करना है, उसके लिए दोस्तों हम लोग को कुछ कंपनी की तरफ से एक कोड मिलेगा। तो उस कोड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे FTR को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि FTR के यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक लिंक मिलेगा, एक लिंक के माध्यम से हम लोग FTR टोकन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए थैंक यू, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में FTR टोकन को कैसे ऐड करना है उसके बारे में आप लोगों को पूरा लाइव जानकारी दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलता बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।